अगर आपको पनीर खाने का मन हो और आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं स्वाति, स्वाति सोनी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए पनीर भुर्जी बनाते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई ले लिया है, गैस को ऑन कर लिया है। कढ़ाई में हम 3 चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 हरी इलायची और 2 लौंग डाल देंगे और हल्का जीरा को चटकने तक हम इसे भून लेंगे। इसके बाद 3 हरी मिर्च हम बीच से काट के हम इसमें डाल देंगे। इसे भी हल्का सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें 2-3 प्याज को हमने महीन महीन टुकड़ों में काट लिया है। प्याज छोटा है तो 3 और बड़ा है तो 2 ले लीजिए और इसे भी हल्का सॉटे कर लेंगे प्याज के मुलायम होने तक। ये मैं 200 ग्राम के हिसाब से मेजरमेंट है ये मेरा। और इसमें 2-3 हम हरी मिर्च काट के हम डाल दिए हैं। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और वो भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का पिंक होने तक। और 4-5 लहसुन, आधा इंच अदरक को हमने घस के हम इसमें मिला लेंगे। इसे भी हम 2-3 मिनट तक हम भून लेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। 2 टमाटर की प्यूरी हमने बना लिया है मिक्सर ग्राइंडर में पीस के, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसे भी हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। अब इसमें आधी कटोरी हम हरी मटर हम डाल दिए हैं। अभी मटर फ्रेश आ रही है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और नमक स्वादानुसार डाल दीजिए। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्च ऐड कर दे रहे हैं और 1/4 गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हम भुना जीरा का पाउडर डाल दिया और इन सभी को मिला लेंगे। अच्छे से मसाले को मिला लेंगे। इसमें हम 2-3 चम्मच हम पानी ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि मसाला कढ़ाई में चिपके नहीं। और ये देखिए 200 ग्राम पनीर है। इस पनीर को हम कद्दूकस पे नहीं घस के हाथ से हम इसे तोड़ ले रहे हैं अच्छे से, जो पनीर का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो आ जाए। और इसे भी हम डाल देंगे और डाल के इसे हम अच्छे से हम मिला लेंगे मसाले में। और ये देखिए अब हम इसमें 4-5 चम्मच के लगभग हम पानी डाल देंगे, जो पनीर जो है वो कढ़ाई में चिपके नहीं और थोड़ा ग्रेवी में हल्का सा मॉइस्चर रहे, तो हम इसमें इतना पानी डाल देंगे। तो ये देखिए डाल के इसे हम अब अच्छे से मिला लेंगे और मिला के इसे हम ढक देंगे, कवर कर देंगे 5 मिनट तक। और देखिए 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे फिर से एक बार चला लेंगे। ज़्यादा हमें पनीर को नहीं भूनना है, नहीं तो ये हो चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से धनिया की पत्ती ढेर सारा डालिएगा, 1 कटोरी के लगभग डालिएगा। तो देखिए इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे भी मिला के हम 2-3 मिनट हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और ये देखिए अब पनीर की भुर्जी जो है तैयार है बिल्कुल। तो चलिए अब हम इसे 1 कटोरे में निकाल ले रहे हैं, प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ आप खाइए और आप इसे बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बहुत ही टेस्टी बना है। और ये देखिए ऊपर से हम हल्का धनिया की पत्ती डाल दी है और इसे आप प्याज से सर्व कीजिए, या पसंद हो तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डालिए। ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।